एयर जाएगा इसमें, यदि एयर नहीं जाएगा तो बैड बैक्टीरिया वायरस कुछ भी जाएगा इसमें अंदर, तो बिल्कुल फिट और फाइन है। तो ये हम लोग का टियांग्स का एरीज सैनिटरी नैपकिन है इसका नाम, और ये मार्केट का जो है ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिखने में दिख रहा है, ये जबरदस्त पैक है और ये देखिए सस्ता भी है, 90 रुपया में मात्र, ठीक है। लेकिन एक बार ये खुल गया तो इसको जब तक ये टोटल यूज नहीं होंगे इसका वायरस और बैक्टीरिया इसमें इंसर्ट कर देगा, और यदि गलती से इसको इसमें से हम निकाल रहे हैं, गलती से इसको निकालते समय खुदा ना खाते ये ऐसे गिर गया, मान लीजिए सपोज है हमने इसमें से निकाल रहे हैं अब खुदा ना खाते ये ऐसे गिर गया, तो जमीन पे जैसे गिरा आप ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए ना आप, इसका हमेशा मुंह खुला रहेगा, इसका हमने निकाला और बंद कर दिया, एयर टाइट हो गया जी, इसका अंदर जो मटेरियल है बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया इंसर्ट नहीं कर रहा है, एयर से कोई भी पोल्यूशन कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें तो जाएगा क्योंकि ये खुला है जी। और इसको निकालते समय खुदा ने तो खांसते से निकाले तब तक पहले गिर गया, इसमें का नीचे का जितना बेड बैक्टीरिया वगैरह है इसमें सट गए, लेकिन अगर ये गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पैक है। सेफ्टी का मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ आपको, सेफ्टी के विषय में देखिए ये इसका क्या सेफ्टी है, ओपन है इसका सेफ्टी है, निकालते समय बरूक गिरा दिए हैं, इसमें बेड बैक्टीरिया इंसर्ट कर गया बट ये फुली कवर्ड है, इसमें बैक्टीरिया अंदर नहीं है, तो सेफ के लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है जो ये मार्केट वाला पैड, इसका क्वालिटी बहुत जबरदस्त देखने में, ऊपर से देखने में तो लग रहा है बहुत जबरदस्त है, बट अब क्या है इसको जब हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। और देखिए इसको मैं आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल इसको मैं डेमो करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्वालिटी है, और डेमो करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, देख रहे हैं ये हो गया मार्केट का पैड, और ये हम लोग का एरीज सैनिटरी नैपकिन है जो दुनिया का सबसे बेस्ट अनोखा नैपकिन में आता है ये, और ये देखने में बहुत छोटा है, जैसे हम लोग खिसा पाते हैं ना देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर, उसी तरह इसका है क्वालिटी, देखने में बहुत अलग तरह के दिख रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जब मैं जब इसका करूंगा डेमो तब आपको क्लियर पता चलेगा। वो भी कागज दिखाइए वो जो है वो भी कैसा है, ये कागज जो है ये वाला ये वाला कवर्ड है, ये क्वालिटी तो है ना, इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, देखिए सिल्की टाइप प्लास्टिक नहीं है और ये कवर्ड रहता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसको दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे, जब हम दोनों का डेमो करेंगे तो आपको देखिए देखने में बहुत छोटा लग रहा है ये पैड, और जब दोनों में जब जैसे मान लीजिए कि पीरियड के समय में होता क्या है कि जब हम लोगों का ब्लडिंग होता है तो उस समय ये देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है मार्केट का है, और ये थियांस का एरीज सैनिटरी नैपकिन है, और इसमें हम बराबर बराबर वाटर डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि जैसे पीरियड के समय लगाया जाता है तो एक दिन में 24 घंटा में मैक्सिमम 50 एमएल से ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज नहीं होता है, तो हमने 50 एमएल इसमें से ब्लड निकालेंगे, ब्लड मतलब कि ब्लड एज इक्वल टू वाटर समझिए, मान के चलिए कि मैं ये वाटर डाला, और पहले हम मार्केट वाला पैड पे डाल रहे हैं, मार्केट वाला पर इसलिए डाल रहे हैं कि इसको सूखने का समय मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो जैसे मार्केट के पैड पे डालेंगे तो ये एब्जर्व करेगा, और एब्जर्व करने के बाद फिर सेम वॉल्यूम का वाटर 50 एमएल हम लोग एरीज पे भी डालेंगे, जो हम लोग के टियांस एरीज सैनिटरी नैपकिन है उस पे डालेंगे, तो जब दोनों पे डाल के और उसके बाद जब हम आपको डेमो कराएंगे तब आपको क्वालिटी के विषय में पता चलेगा कि
या वाकई में ये बहुत लंबा चौड़ा था तो क्या काम कर रहा है कि ये काम कर रहा है ना, दो चार आठ लोग को इकट्ठा करके बस डेमो कर देना है, वो नहीं कि ये ले लो दे लो, नहीं बस आप जो यूज करती हैं, आपको यही कहना है कि आप जो पैड यूज करती हैं वो लाइए और मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दोनों में डिफरेंस देखिए और तब उसके बाद जो अच्छा लग रहा है उसको यूज कीजिए, इससे फायदा क्या है। और देखिए मैं ये सेनेटरी नैपकिन एरिज जो है टियांस का उसमें मैं डाल रहा हूँ वाटर, और उसके बाद डालने के बाद ये जो ग्रीन देख रहे हैं ग्रीन टाइप का जो ये बना हुआ है ये एक चिप है जिसका नाम है एक्टिव ऑक्सीजन निगेटिव आयन चिप। और ये चिप करता क्या है, हम लोग की बॉडी के संपर्क में जैसे आता है और ये ब्लड के संपर्क में आता है तो ये बैड बैक्टीरिया को किल करता है, जितनी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है सबको किल कर देता है। और ये जैसे ही ब्लड के संपर्क में आने के बाद किल तो करता ही है, साथ साथ में एक्टिव ऑक्सीजन निगेटिव आयन इसका नाम है तो नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन एक्टिव करता है, माने हम लोग के यूट्रस में डायरेक्ट ये ऑक्सीजन इंसर्ट करता है भेजता है और जबरदस्त तरीका से कूलिंग टाइप के अनुभव होता है। और मैं आपसे चाहूंगा आप दोनों हाथ अपना दोनों पैड पे रखेंगे ऐसे और आप बताइए कि सूखा कौन है और भीगा कौन है, आप हाथ दोनों में रखिए ऐसे, दोनों हाथ रखिए ऐसे, हाँ आप बताइए कौन भींगा है कौन सूखा है, इक्वल हम वाटर डाले हैं। अब आप बताइए ये मार्केट वाला बड़ा लंबा चौड़ा है क्या भींगा भींगा और ये टियांस का आपको सूखा नजर आ रहा है, बहुत सूखा है। चलिए अब हम देख, हाँ बिल्कुल आप ही देखिए, बोलिए कैसा लग रहा है आपको। अब क्वालिटी की बात मैं देखूंगा कि दोनों में क्वालिटी क्या है, अब ज्यादा देखने का मतलब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इसमें क्या है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। और इसका जो पानी है क्या ये नहीं सूखा है तो भींगा है तो क्या अंदर सूख गया है क्या, थोड़ा इसको दबाव लगा के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें से देखें तो हमको लगेगा कि जितना इसमें हम पानी डाले थे लगभग वो सब पानी निकल जाएगा। देखिए धीरे धीरे जितना हम वाटर डाले थे 50 में निकल रहा है कि नहीं जी। अब इसको जैसे ही हम लोगों के जो बेटी बहन है इसको जब यूज करेंगी और वो साइकिल से मोटरसाइकिल से किसी गाड़ी से यदि वो कहीं बाहर गई है तो क्या ये ब्लड जो है ऐसे ये कपड़ा में लगेगा कि नहीं, ऐसे दबेगा तो निकलेगा तो ये कपड़ा खराब करेगा कि नहीं करेगा। और ये पूरा पानी देखिए जैसे ही दबाए ये पूरा निकल गया और पूरा निकल गया, ये टोटल 50 ml उसका 50 ml इसका 100 ml इसको हमने दे दिया और 100 ml देने के बाद भी आप देखिए कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। और अभी भी आप देखिए कि क्या ये जो है पहले की जैसा अभी भी सूखा है कि नहीं सूखा है, आप हाथ लगा के देखिए, आप देखिए कि इसमें डबल पानी ले लिया उसके बाद भी इसका क्या पोजीशन है, देखिए है सूखा है। अगर सूखा नहीं रहता था जैसे इसको हम दबा के ऐसे पानी गिरा रहे हैं, अगर ये सूखा नहीं रहेगा तो इसको भी जब दबा के गिराएंगे तो पानी निकलना चाहिए ना इसमें से, तो देखिए तो पानी इसमें से निकल रहा है क्या, हमने दबा के निकालने का कोशिश कर रहे कहीं पानी निकल रहा है, देखिए तो निकल रहा है पानी, आप देखिए तो पानी निकल रहा है, आप दबा के देखिए, आप देखिए तो निकल रहा है पानी, हाँ कोई बात नहीं फटेगा तो पानी नहीं निकलेगा, इसमें पानी है ही नहीं तो निकलेगा, ये जेली टाइप का, हाँ ये जेली टाइप का निकलेगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देखिए सूखा है, देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं इसमें है, कहीं कपड़ा वपड़ा भी कहीं लगेगा नहीं, बिल्कुल सूखा है। अगर इसको यदि कपड़ा पर अगर देंगे तो भींग जाएगा। अब इसमें दोनों में देखेंगे हम क्या डिफरेंस है दोनों में, अब ये देखिए ये तो जबरदस्त लंबा चौड़ा पर्सनालिटी का है भाई साहब, देखने में तो लग रहा है कि कितना पहलवान है, लेकिन अब इसमें देखिए है क्या, ये जैसे ही हम फाड़े एक ही लेयर में फट गया और फटने के बाद ये देखिए क्या है, ये जो है ये देखिए प्लास्टिक दिख रहा है, ये देखिए इसमें क्या है, ये जो हम लोगों के मार्केट से रिसाइकलिंग किया हुआ प्लास्टिक होता है वही है, देखिए ये प्लास्टिक ये फट नहीं रहा है, ठीक है ये प्लास्टिक खिंचाएगा, हाँ खिंचा रहा है ऐसे फट नहीं रहा है। और इसमें ये जो हम लोग जो होटल वगैरह में हम लोग टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं वही है,
तो इसकी क्वालिटी आप लोग देख लीजिए, तो देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा था, लेकिन इसका क्या है ये देख लीजिए आप लोग। और जब इसको देखिए, इसमें 8 लेयर होता है और हर लेयर का अलग अलग अपना काम है। ये पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और जबरदस्त तरीका से हम लोग को ये वेयर करता है। और इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए ये क्या है, ये देखिए, उसके बाद ही ये सूखा है। देखिए अगर अभी भी, अगर इसको अभी हम चाहें कि अभी इसको देखना चाहे कि अभी क्या और भी सूख सकता है क्या, तो हम इस गिलास में पानी ले, क्योंकि जो ये चीज होता है ना, इसका काम ही है पानी सूखना। हाँ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ये और केल, काम भी आएगा, ये केला का अभी वो काम आएगा, चेहरे में लगा के हाथ पे लगा ये ये, ये 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 जो है, ये आपको जो है वो मैं मटेरियल बता रहा हूँ क्या है। ये केला का जो हम लोग का बीज का गुद्दा होता है, अच्छा, उसी का ये बना होता है जेली। और ये जेली अभी आपके बॉडी में कहीं भी इचिंग खुजली हो उसमें ये काम करता है। और ये देखिए इतना पानी, देखिए कितना पानी है, लगभग ये 100 ग्राम प्लस पानी है। और इसमें मैं इसको डाल दिया, ये पूरा पानी सोख लेगा। इसमें डालने के बाद तब तक वो सूख रहा है, तब तक इसका क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसमें अलग अलग लेयर है और सभी लेयर कॉटन का बना हुआ है। और इसमें लगभग 8 लेयर होते हैं और ये 100% कॉटन होते हैं। इसमें कहीं कोई आपको इफेक्टिव कोई चीज नहीं होता है। इसको यूज करने से पीरियड के समय में बॉडी में बदबू नहीं होता है। और बिल्कुल देखिए, जैसे आपको एक ये लेयर मैं दिखा रहा हूँ, ये लेयर देखिए कितना जबरदस्त और स्मूथ है। और इसको इसका पहचान है क्या, यदि इसको फाड़ेंगे तो इसको बिल्कुल बराबर बराबर फटेगा। देखिए ये बिल्कुल कटन है, तो ये कटन प्योर कटन। अगर ये कटन नहीं रहता तो एक बराबर आठों लेयर का ना क्या क्या काम है लिखा हुआ है। आठों लेयर का अलग अलग काम है। अब बिल्कुल जूम पे लोग आते हैं और हर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ये हम लोग का देखिए कितना आराम से फट रहा है। देखिए ये 100% कटन है। कहीं से फाड़िएगा, कहीं से फाड़िए एकदम बिल्कुल कॉटन का ही पहचान है ना, कहीं से फाड़िए सीधा फटेगा, सीधा फटेगा। तो ये सीधा फटते हुए जा रहा है। और इसका जबरदस्त देखिए, इसका कई लेयर है, पतला पतला 8 लेयर होते हैं, 8 का अलग अलग काम है। देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है, देखिए कितना जबरदस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए आप देखिए कितना बढ़िया चीज है। और इसी तरह इसके ये एक लेयर ये है, जिसका ये एक चिप इसमें पड़ा हुआ है। इस चिप का नाम है एक्टिव ऑक्सीजन निगेटिव आयन सेल। इसका डेमो है, बहुत जबरदस्त तरीका से इसका डेमो है। जैसे हम लोग ब्रेसलेट का डेमो कर रहे थे, तो उसी तरह उसका डेमो है। देखिए बिल्कुल एकदम जालीदार है। टोटल ये ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है बॉडी में, यूट्रस में भेजता है ऑक्सीजन एकदम। ये जैसे ही ये संपर्क में आपके आएगा, आपको बहुत कड़ा फीवर लगा हो, इसको आप अपने माथा पैसे चपका दीजिए। इसका डेमो कर दीजिए, इनको डेमो करिए, इसका चलिए डेमो करिए। इसका देखिए डेमो कितना तगड़ा है। आप वहां खड़ा होंगे, तो ब्रेसलेट पहने हैं, ब्रेसलेट निकाल दीजिए, ब्रेसलेट कहीं नहीं नहीं देगा इनको। ये देखिए पैसा गिर गया आपका, ऐसे आप 5 वो लड़की को लेडीज को बुला के करिए और दिखाइए। देखिए इसका कमाल देखिए, ये पूरा पानी सो गया, ये देखिए देखिए कहीं है पानी, ये क्वालिटी है। और ये जेल जो है ये कहीं भी आपको इचिंग खुजली हो वहां लगाइए, पूरा एकदम चेहरा का, अगर चेहरा में कहीं किसी तरह का दाना खुजली हो ऐसे रगड़ दीजिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जबरदस्त काम करेगा। बस रगड़ लेना है केवल, कहीं भी जहाँ स्किन लग रहा हो कि ड्राई हो वहां रगड़ देना है, वहां रगड़ देना है, जहां भी स्किन लग रहा हो ड्राई हो वहां लगा देना है इसको। चीट निकाल के दे दीजिए, हुआ कि 2 मिनट लंबा लंबा सांस लेना है, जबरदस्त काम करता है। फीवर के कितनों भी फीवर हो, काढ़ा इसको भींगा के चिपका दीजिए,
फीवर उतार देगा। हाँ फीवर उतार देगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चीज है, एकदम ठंडा रहता है। देखिए ठंडा और ना एक महीना भी अगर रहेगा खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। क्या करिए ना, एक खोल के जेल निकाल लीजिए उसमें से और उसको भिगो के रख दीजिए और रोज शाम में या सुबह में किसी टाइम जब जब डेमो किया हुआ है तब तो लगाएंगे, और नहीं तो ऐसे निकालना है ना तो सूखा निकाल लीजिए उसमें। हाँ वो ठीक है, सूखा निकाल के थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए और थोड़ा सा लेके जब चेहरा पे मसाज करके धोना हो है पानी डाल के तुरंत फूल के इतना हो जाता है, बस ताजा ताजा थोड़ा सा भी डालिए तो जैसे कितना फूल गया कहुआ है तो मतलब हाथ सब में एकदम। अच्छा इतना बड़ा हाथी रख के क्या करेगा इसमें, कोनो जाने नहीं, यह हाथी को रख लीजिए सर अपने। कुछ नहीं करना है, हाँ तो वो दिखा देते हैं, यही दो डेमो मल्टीविटामिन खुला नहीं है तो वो दिखा देते हैं। हाँ हल्दी पाउडर हो गया, चलिए वो सही हाथ रखिएगा और इतना रुकी आप टाइट करिए, इतना ताकत लगा सकते हैं रुकिए टाइट रहिए पूरा बल है ना पता चल रहा। उसको हटा दीजिए रेडिएशन में ये, उसके बाद देखिए उसको हटा दीजिए मोबाइल पे घुमा के फिर उसी तरफ करिए देखिए उतना आता है एक बार टाइप करें। इसीलिए पेंटिलाइनर यूज करना है, इनको पेंटिलाइनर यूज करना है आप करिएगा आपको मैं बताया हूँ। अब वैसे ही तो लिया है ठीक है करें, ये तो एकदम डिस्टर्ब कर रहा है कि फाइन नीचे खींचिए है ना क्वालिटी है ये फीलिंग करने के बाद समझ में बड़ी थकान है ये पुराने दीजिए फटाफट कुछ जहाँ भी पेन हो रहा होगा जैसे अनुष्का बोली कि हमको पीरियड के समय में कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी पेन होता है इसको चिपको चक्का लगा है पेट पे। हाँ एपी प्लस है कि नहीं, एपी प्लस है तुम्हारे पास?